नाउ हम बस स्टॉप की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि बिल्कुल इंस्टीट्यूट के पास है, 1 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे जितने भी बस स्टॉप हैं वो एक एक दो दो मिनट के डिस्टेंस पे हैं, आपको कहीं दूर उनको सर्च नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे रोड क्रॉस करने के भी मेथड्स हैं, लाइक गाइडलाइन बताई गई है। आप डायरेक्टली इन रोड्स को क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ आ जा रही होती हैं, अगर आप ऐसे क्रॉस करेंगे तो आपको फ़ाइन भी हो सकता है। यहाँ पे कैमरे आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है कि रोड पे जो ज़ेबरा क्रॉसिंग है वो फाइंड करनी होती है कहाँ पे। देन उसके बाद हर ज़ेबरा क्रॉस के पास यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन लगे हुए हैं, आपने इसको प्रेस करना है और कुछ ही देर में ये जो सिग्नल है ये सारे रेड हो जाएंगे और हमारा जो वो आप देख सकते हैं और रनिंग सिग्नल है वो ग्रीन हो जाएगा, जो कि आपको अलाउ करेगा कि अब आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप वैसे क्रॉस करेंगे तो नुकसान हो सकता है और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इन सम केसेस ये आपको वापस भी भेज सकते हैं जहाँ से आप आए हुए हैं। तो देखिए अभी सिग्नल ग्रीन हुआ है तो एक तरह का साउंड भी प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे सेफ्टी के लिए, आवाम की सेफ्टी के लिए बहुत जो मेजरमेंट है वो की गई हैं। अब मुझे ये हमारा फुटपाथ है जो कि अब बर्फ़ के नीचे पड़ा हुआ है, अब ऐसे ही जाना पड़ेगा। बाकी जो कोरिया है बहुत अच्छा कंट्री है और वर्ल्ड 6 इकोनॉमी के हिसाब से, वर्ल्ड इकोनॉमी के हिसाब से 6 रैंक पे आता है। ये बस स्टॉप है, यहाँ पे एक मैप उन्होंने लगाया हुआ है कि कौन कौन सी बसें आएंगी और उनके रूट क्या हैं और किस टाइम पे आएंगी। तो यहाँ पे जो बसेस का सिस्टम है वो नंबर सिस्टम है और 1 से 2 मिनट 3 मिनट बाद यहाँ पे बस आती रहती है। तो आपने पहले तो डिसाइड करना होता है कहाँ पे जाना है, कौन सी लोकेशन पे जाना है और फिर उस रूट को देखना और उस बस नंबर को देखना, उसका वेट करना है। यहाँ पे बस के जो फेयर हैं, किराया है, उसके दो मेथड हैं। एक तो जो आपका डेबिट कार्ड होता है यहाँ पे, जो बैंक कार्ड होता है वही इसके मतलब ट्रैवलिंग जो सिस्टम उसके साथ कनेक्टेड होता है, वहाँ से जस्ट मशीन के साथ कार्ड अटैच करके ही पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड, अगर आपके कार्ड में अमाउंट नहीं है तो आप हार्ड कैश में भी दे सकते हैं उनको। तो आपने जस्ट इसको मशीन के अंदर पुट करना है नोट को, जो आपका फेयर बनेगा, किराया बनेगा, वो डिडक्ट हो जाएगा और बाकी जो अमाउंट होगी वो आपको मशीन से वापस मिल जाएगी। तो ट्रैवलिंग भी बहुत यहाँ पे अच्छी है, इजी है। और यहाँ पे जो पेट्रोल का रेट है वो अभी 1470 वॉन चल रहा है, जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 300 मे बी 280 280 रुपये बने 1 लीटर के। तो मुझे जाना है डाउनटाउन होम प्लस के पास, वहाँ से कुछ फ्रूट्स वगैरह मुझे बाय करने हैं। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ 300 बस का जो कि ऑलमोस्ट पहुँचने वाली है, आप देख सकते हैं बस हमारी पहुँच चुकी है। तो अब हम इसमें एंट्री मारते हैं। बाकी जो बोन है मुझे पॉइंट की फॉर्म में वापस कर दिए।
चलें नेक्स्ट स्पॉट में मिलते हैं।